बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के, बाकी जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं अपने जो स्टूडेंट हैं वो अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक उसको फॉलो करेंगे। मेन रिजल्ट्स चीज़ें वही वाली हैं, मगर जो डेट्स हैं जो मैंने दी हैं वो मे बी अदर डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो भी बच्चे हैं जो कि समर सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वो ये कोर्स अपने जो फॉर्म है जो मैंने लिंक के अंदर आपको शेयर कर दिया, इसमें वो आप 3 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल करके जबेद को जमा करवा देंगे। तो इस फॉर्म के साथ आप लोग जो कोर्स जिस सेमेस्टर में आपका कोर्स फेल हुआ उसको आप हाईलाइट करेंगे, या डी ग्रेड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उस कोर्स को आप हाईलाइट करेंगे और साथ में अटैच कर देंगे अपने इस फॉर्म के साथ। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं बीएससी या एमएससी के, वो जो है डी ग्रेड इम्प्रूव नहीं कर सकते और उनका सीजीपीए 2.5 से बिलो है। इस तरह जो एमफिल और पीआईडी के बच्चे जिनका सीजीपीए 2.8 से बिलो है, 2.8 से अबव है, वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपका सीजीपीए 2.8 से बिलो है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से जो बीएससी एमएससी के, उनका भी अगर सीजीपीए 2.5 बिलो है तो डी ग्रेड इम्प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी जो डिटेल समर सेमेस्टर के रूल्स हैं वो आप नोटिफिकेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया उसके अंदर भी देख सकते हैं, और उसकी वीडियो है जो मैंने शेयर किया उसके अंदर कंप्लीट रूल्स जो हैं इसके आप लोग देख सकते हैं। और जो ब्रिजिंग सेमेस्टर्स के बच्चे हैं, ये दो कोर्स तो ये वाले हैं वो लाजमी तौर पर वो करवाएंगे एनरोल, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके कोर्स कोड और टाइटल मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये ब्रिजिंग सेमेस्टर के मॉर्निंग इवनिंग के लिए लाजमी है, ये दो कोर्स लाजमी ये बच्चे पढ़ेंगे। अगर इसके अलावा कोई और कोर्स से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं एफ ओ डी, वो भी साथ में कर सकते हैं। जो भी हम जो फॉर्म रिसीव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अवेलेबल फैकल्टी होगी उसके रिस्पेक्ट से, अगर किसी भी सब्जेक्ट में एक या दो बच्चे हुए तो वो हम टीचर से कंसेंट लेंगे कि वो कोर्स में पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर जो भी हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो हम फॉरवर्ड कर देंगे अप्रूवल के लिए। जो फिर हम जो अप्रूवल होके एप्लीकेशंस वापस आ जाएंगी उनको हम बच्चों को फॉर्म वापस कर देंगे, फिर वो अपने बच्चे फ़ी वाउचर सबमिट करवाएंगे, फ़ी जमा करवाएंगे, फ़ी वाउचर आफ्टर फीस सबमिशन वो डिपार्टमेंट में वापस रिटर्न मिस्टर जावेद को जमा करवा देंगे। तो सिर्फ उन्हीं बच्चों की इनरोलमेंट होंगी जो बच्चे अपने जो है अपने फीस सबमिशन के फॉर्म है वो डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे, बाकी बच्चों की इनरोलमेंट नहीं होगी। सिर्फ इन्हीं बच्चों की इनरोलमेंट होगी जो फीस जमा करवाएंगे, और इनके जो फॉर्म्स हैं वो डायरेक्टर अकेडमिक की तरफ से थ्रू डीन अप्रूवल होगी। और जो बच्चे 3 अगस्त के बाद जमा करवाएंगे उन वो भी प्रोसेस नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें, ये सारा वीक है, इसके अंदर आप लोग जो भी आप लोगों ने प्रोसेसिंग करनी है वो करें, और जो है उसकी फॉर्म और उसके जो रिज़ल्ट कार्ड हैं वो जम लें, और ये सारी चीज़ें आप जो ऑफिस में जावेद के पास जमा करवा दें। इसके बाद जैसे ही ये जो चीज़ें हैं अप्रूव होके आएंगी तो हम आपको इसके अप्रूवल दे देंगे, फिर आप अपने फ़ी वाउचर जो उधर से हैं फ़ी क्लर्क से बनवा सकते हैं। इसकी 5000 पर सब्जेक्ट फीस है, और एक स्टूडेंट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और एफ ग्रेड इम्प्रूव सारे ही हो सकते हैं, और डी ग्रेड और बीएस और एमएससी के लिए अगर सीजीपीए फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को 2.5 से बिलो है तो तब वो नहीं कर सकते, अदरवाइज सारे बच्चे ही डी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम एमफिल पीआईडी के लिए अगर आपकी सीजीपीए 2.8 से बिलो है तो आप सी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने डेट के मुताबिक काम करना है ताकि ये सारा काम स्मूथली हमारा हो जाए। ये जो टीचर्स हैं आप लोगों को, ये जब आप लोग फी पे कर देंगे उसके बाद ये डिसाइड होंगे कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ाएगा। थैंक यू। जो इसकी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन हैं वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में के अंदर इसके लिंक डाउन शेयर कर दिए, आप वहाँ से उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।